ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर, जिसका नाम है गणितीय समीकरण। गणितीय समीकरण गणितीय समीकरण से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, 100% आता है। गणितीय समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर एक नियम होता है। जैसे आपने कोई भी एक क्वेश्चन लिखा नॉर्मल, मैंने कहा कि 5/10 और ×2 और +5, ये मैंने एक समीकरण लिखी और इस समीकरण को आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। या फिर कई बार कहता है कि प्लस का मतलब भाग है, तो प्लस की जगह हम भाग करते हैं। तो ये एक पर्सन किसी भी एग्जाम में डेफिनेट आता ही आता है, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जो इसको आप सोल्व कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैसे करेंगे, 5 में 2 जुड़ा 7, ठीक है, और फिर 10 गुणा में क्या है 7 70, और 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 एकम 5 और 520, मतलब ये आ जाएगा कट के, 5/70 को 5/70 लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा 520, मतलब इसका आपकी नज़र में तो आंसर कितना आ रहा है, 1/14 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये आंसर है ये बिल्कुल गलत भी हो सकता है, इसके लिए ही मैथमेटिकल इक्वेशन को सुधारने के लिए और प्रश्नों को सही तरीके से जमाने के लिए एक वी बोर्डमास का नियम प्रस्तुत किया जाता है। वी बोर्डमास, क्या नाम है उसका नियम का, वी बोर्डमास। वी बोर्डमास नियम का मतलब यह होता है, यहां पर हर शब्द का अलग अलग मीनिंग है, हर शब्द का क्या है, अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। वी बोर्डमास में वी का मतलब होता है विनिकुलम, क्या होता है, विनिकुलम बार, क्या होता है, पूरा नाम क्या है इसका, वी का मतलब, इस वी का मतलब है यहाँ पर विनिकुलम बार, क्लियर है बात, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, क्या होता है, ब्रैकेट्स, ठीक है। और ओ का मतलब होता है ऑफ, क्या होता है, ऑफ। ऑफ का हिंदी अर्थ क्या होता है, ऑफ का हिंदी अर्थ होता है का। ब्रैकेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, कोष्ठक, क्या होता है। और विनिकुलम बार को हम ऐसे लिखते हैं, बार, ठीक है। इसके बाद डी का मतलब क्या है यहाँ पर, डी का मतलब है यहाँ पर डिवाइड, क्या मतलब है, डिवाइड। डी का मतलब क्या है, डिवाइड, ठीक है। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होता है। अब क्या बचा, ए बचा, इस ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है जोड़ या योग। और एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, क्या होता है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाओ। बात आई यहाँ तक समझ में। अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले उस प्रक्रिया में अगर माइनस है तो माइनस को सोल्व किया जाएगा, फिर कोष्टक को सोल्व किया जाएगा, फिर गुणा को सोल्व किया जाएगा। लेकिन गुणा भी कैसे, कहीं पर यह लिख रखा है 5/10 × 8,
आप बताओ सबसे पहले गुणा 10 8 80 होगा या 5 का 10। इसका का हिंदी अर्थ भी होता है गुणा, क्या होता है, लेकिन मेरी बात याद रखना, 5 का 10 इस प्रकार से आता है वो। तो यहाँ पर का हिंदी अर्थ होता है गुणा। का को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, ठीक है, राम ऑफ श्याम, राम का श्याम से। तो 5 का 10 मतलब 5 10 गुणा करेंगे तो पहले ये गुणा होगा 50, फिर 50 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400। बात आई समझ में, ठीक है। इस का मतलब होता है गुणा, ठीक है। वो सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछता है 5 का 10 गुणा भाग माइनस 3 जो भी पूछता है इस प्रकार से। डिवाइड का मतलब होता है भाग, क्या होता है भाग। कोष्टक में एक कोष्टक ये भी हो सकता है, इस प्रकार से ये कोष्टक भी होता है और इस प्रकार से ये कोष्टक भी होता है, ठीक है। तीन कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है, ये कौन सा कोष्टक है बताओ, ये बड़ा है या छोटा है, एक इनमें से बड़ा है और एक इनमें से छोटा है, ठीक है। ये क्या है, गुणा का चिन्ह, भाग का। लेकिन ये याद रखना, ये जो गुणा है ना, ये इस का गुणा है। इस का हम हिंदी अर्थ क्या समझेंगे, गुणा। और एक होता है सिंपली गुणा, ठीक है। एक होता है जोड़, जोड़ का मतलब प्लस और घटाव का मतलब क्या होता है माइनस। आप यहाँ पर वी बोर्ड मास का नियम आप सीख चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम इस वी बोर्ड मास को आगे चलकर कहाँ पर प्रयोग करेंगे ये हमें आपको बताना है, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब वी बोर्ड मास पर हमारा पहला एग्जाम्पल है, यदि प्लस का अर्थ कितना दे रखा है, गुणा। प्लस का अर्थ हमको क्या करना है, प्लस लिखना है, उसका अर्थ क्या दे रखा है, गुणा, ऐसे लिख लो। और भाग का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस, क्या दे रखा है, और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग। भाई प्लस का अर्थ तो क्या है, गुणा है, ठीक है, और गुणा का अर्थ क्या है, लिख दो, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, इस तरीके से लिख दो, ठीक है। मतलब जो ये है ना आपके, ये वाले, ये आपको हटाने हैं यहाँ पर, और उनकी जगह ये लगाना है। बात आई समझ में, ये लगाने हैं। पहले आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी भाग है वहाँ पर भाग की जगह देखो क्या कर रखा है, माइनस। 17 गुणा में, गुणा की जगह क्या है, प्लस। 161 प्लस, प्लस की जगह क्या है, प्लस की जगह क्या है, गुणा। 214 माइनस की जगह क्या है, भाग। 143 बराबर में 340। अब इसमें बराबर की जगह तो कुछ दे ही नहीं रखा है, क्लियर है ना। जो चीज़ हमको दे रखे हैं वही हमको इसमें सोल्व करने हैं। तो वी बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले इस समीकरण में कहीं पर बार लगा हुआ है क्या, भाई वी बोर्ड मास जो हम बता रहे हैं आपको, वी बोर्ड मास। आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर कहीं पर विनी कूलम बार है क्या, नहीं है ना। फिर ब्रैकेट है कहीं पर, नहीं है। ऑफ का मतलब कहीं का लिख रहा है, नहीं है। डी का मतलब कहीं पर डिवाइड है क्या, इसमें कहीं पर डिवाइड है, डिवाइड है कहीं पर, डिवाइड का मतलब होता है भाग है कहीं पर इसमें नीचे, ये रहा। क्या 214 में 143 का भाग जाएगा क्या, आप बताओ। नीचे विषम संख्या है और यहाँ पर ऊपर क्या है, सम संख्या। कोई छोटी सम संख्या ले लो और कोई नीचे विषम संख्या ले लो, तीन, आप बताओ दो में तीन का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाग यहाँ पर भी इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमारा इसमें एक आंसर होगा, हमको सारे करके देखने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि पहले आपको पहला ऑप्शन लेना होता है ये वाला, फिर आपको तीसरा ऑप्शन लेना होता है, फिर आपको ये लेना होता है, फिर ये लेना होता है। हमेशा ऐसे ही एग्जाम में आप प्रश्न को सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। या तो विकल्प का उत्तर ए आना चाहिए, या सी आना चाहिए, या बी या डी, एक आना चाहिए ना। आपको कैसे पता कि आंसर कौन सा सही आएगा, लेकिन मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ। पहले आपको ए करना है ऑप्शन में, फिर आपको सी करना है, फिर आपको बी देखना है, फिर आपको डी देखना है, ठीक है। मैं अब दूसरा ऑप्शन बी नहीं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सी ले रहा हूँ। तो मुझे आप बताएं, 408 लिखा मैंने
है ना, और माइनस खर्च क्या है बताओ, भाग। तो यहाँ पर मैं भाग लिख दूंगा, लिख दूंगा भाग। प्लस खर्च क्या है देखो, इसमें गुणा है, क्या है गुणा, 13 गुणा खर्च क्या है प्लस 251, भाग खर्च क्या है माइनस 321, बराबर में क्या है 151। इतना आप समझ गए नहीं समझे, मैंने अभी चिन्ह बदला है क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि चिन्ह बदलो, क्लियर है ना। अब हमें अपना वी बोर्ड मास का नियम लगाना है, फिर से वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास में आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसमें कहीं विनी कूलम बार होता तो हम उसको सोल्व कर रहे होते, अगर कहीं पर इसमें ब्रैकेट होता तो हम उसको सोल्व करते, कहीं ऑफ, ऑफ का मतलब का कहीं लिख रहा है तो हम उसको सोल्व करते, कहीं पर डिवाइड है क्या बताओ, ये नहीं सोल्व होंगे, तो डिवाइड है कहीं पर, डिवाइड हो रहा तो डिवाइड की प्रक्रिया होगी सबसे पहले, किसकी प्रक्रिया होगी, डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग होता है, क्या होता है भाग। बताओ इसमें कहीं भाग लग रहा है ना, इसको सोल्व करो आप, 408 में 24 का भाग दो, 408 में अगर आप 24 का भाग देंगे तो देखो कैसे देंगे, 24 एकम 24 होता है, कितना बचेगा 16 बचेगा, और ये 8 उतार लिया, 24 सत्ता होता है 168, 24 का पहाड़ा आना चाहिए आपको, अगर ऐसा नहीं आता तो मैं आपको छोटे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, 4 से काटो, 4 एकम 4 जीरो बचा लिख दो, 4 दुनी 8, 4 छिक 24, 2 से काटो, 2 पन 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, आप बताओ 51 3 का भाग देंगे तो 17 तिया 51 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो आपने लिखा यहाँ पर इन दोनों की जगह लिख दिया 17, कितना लिख दिया 17 लिख दिया, क्लियर है। अब बताओ कहीं पर अब इसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट के बाद डिवाइड के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना मल्टीप्लाई, तो 17 को किससे गुणा करेंगे अपन, 13 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 13 से, 17 गुणा 13 करेंगे कितना आएगा, 13 सत 91 का 1 हासिल 9, 13 एकम 13 और 9 22, 221 आ गया, इसका मतलब ये भी यहाँ तक सोल्व हो गया, कितना आ गया 221। अब प्रक्रिया किसकी होगी, मल्टीप्लाई होगा तो किसकी होगी, एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ होगा, जोड़ कहाँ पर है, इसका मतलब इसमें 251 जोड़ देंगे पहले, कितना आएगा 1 और 1 2, 5 और 2 7, 2 और 2 4, कितना आ गया। अब किसकी प्रक्रिया होगी, सब्ट्रैक्शन की, मतलब घटाव होगा, और घटाव कितना है इसमें 321 है, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 3 गए 1, बताओ 151 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी आएगा, ठीक है, हमारा ना तो बी आएगा ना ही डी आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा, क्लियर है। यहां तक नोट करो, फिर हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब हमारा दूसरा सवाल है, ठीक है, मैंने ये सवाल पूरा नहीं लिखा है, मैंने ये सवाल शॉर्ट में लिखा है ताकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। यदि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ क्या है भाग। तो पहला ऑप्शन हमने आपको बताया, हम पहला सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, फिर हम तीसरा नंबर चेक करेंगे, तीसरा ऑप्शन, फिर दूसरा और फिर लास्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन ले रहे हैं, 345 है यहाँ पर, ठीक है, माइनस प्लस गुणा और ये भाग, 345 माइनस खर्च क्या है यहाँ पर भाग, 23 प्लस खर्च क्या है 31, गुणा खर्च क्या है 108 और भाग खर्च क्या है 321 बराबर में 252। अब 345 में किसका भाग देंगे, 23 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 345 भाग 23, 23 एकम 23 कितना बचेगा 11 और 5 उतार लो, 23 पंजा कितना होता है 115, 15 आ गया। अब देखो फिर 15 किससे गुना है, 31 से गुना आएगा ना, फिर बोर्ड मास में भाई डिवाइड हो गया, फिर मल्टीप्लाई होगा ना, कितना है 31, गुणा कर दो 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 से 45 एक 46, कितना आ गया 465 आ गया। फिर क्या होगा, एडिशन होगा, 465 में कितना ऐड कर देंगे अपन 108, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 4 और 1 5 कितना आ गया 573। फिर 573 में क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, फिर माइनस कर दो,
321, 3 में से 1 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, बताओ 252 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये रहा बराबर में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा, ना तो ये आएगा ना ही ए आएगा और ना ही डी आएगा। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आई, बस आपको सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करना है, फिर आपको सी ऑप्शन चेक करना है, फिर आपको बी ऑप्शन चेक करना है, फिर उसके बाद डी ऑप्शन चेक करना है। ठीक, हमारा पहला सवाल हमने आपको बता दिया, दूसरा बता दिया, अब हम तीसरा सवाल बता रहे हैं आपको, और तीसरे सवाल में हम आपको खास ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। यदि तीसरा सवाल ये है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर आएगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चार ऑप्शन में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ जिससे आपका आंसर तुरंत 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले ए ऑप्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ए ऑप्शन। आप कोशिश करें कि ए ऑप्शन में सबसे पहले भाग वाली प्रक्रिया कौन सी है, हमें इनके भाग से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर देखना है कि भाग यहाँ पर है, और भाग यहाँ पर है तो इसका मतलब माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो जहाँ पर भी माइनस है वहाँ पर आप ये देखो कि इसमें भाग कहाँ पर है, यहाँ पर बन जाएगा, ये माइनस का मैंने भाग बना दिया। और आप बताओ 273 में 196 का भाग जाएगा क्या, 273 में 196 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर विषम संख्या है और नीचे क्या है सम संख्या, तो कभी भी विषम में सम का भाग नहीं जाता, सम में विषम का नहीं जाता, पूरा पूरा कभी नहीं जाता। अगर जाएगा तो भाग पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंट में भाग आएगा तो पॉइंट में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब पॉइंट में ही गुणा होगा तो पॉइंट वाले ही जुड़ेंगे, पॉइंट वाले ही घटेंगे और पॉइंट वाले ही बराबर में आएंगे। तो 473 यहाँ तो पूरी पूरी पूर्ण संख्या दे रखी है, मतलब पॉइंट में नहीं दे रखा ना, पॉइंट में खास तौर से सवाल दिया नहीं होता है, कोई रियर चांस में ही सवाल पॉइंट में दिया होता है और आपको फिर पूरा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर पॉइंट बराबर जीरो लगा दे तो इससे कोई फर्क पड़ा क्या, आप बताओ, आपको हो सकता है कोई पागल बना दे एग्जामिनर, पॉइंट यहाँ के बाद जीरो लगा रखा है, तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए यहाँ पर पॉइंट जीरो लिख सकता है। ठीक है, कोई मेरा जैसा एग्जामिनर होगा तो वो जरूर कर देगा इस काम को। तो आपको यहाँ पर जब यहाँ पर 273 में 196 का भाग नहीं जा रहा तो पूरा पूरा ऑप्शन मतलब पूरा पूरा यहाँ पर 473 नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन में आंसर नहीं है। क्लियर है बात, अब हम सी ऑप्शन पर चलेंगे। अब सी ऑप्शन देखो कैसे लेंगे, माइनस का अर्थ भाग है तो माइनस कहाँ पर, यहाँ पर भाग है, आप बताओ 290 में 190 का भाग जाएगा क्या, हालांकि 290 190 दोनों क्या हैं सम संख्याएं हैं, लेकिन हम अब क्या करते हैं जीरो से जीरो काट दो, आप बताओ 29 में 19 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 384 बराबर में है ना, पूर्ण संख्या दे रखी है, पॉइंट में थोड़ी दे रखी है, तो ये भी ऑप्शन में आंसर नहीं आएगा। क्लियर है ना, पता लग गया ए ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन नहीं, अब किस पर चलेंगे, बी ऑप्शन पर। अब किस पर चलेंगे, माइनस का अर्थ क्या है भाग है, और हम अब 504 में 36 का भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं 36 का भाग, बताओ 504 का आधा कितना होता है 252 होता है, 36 का आधा कितना होता है 18 होता है। ठीक है, 252 का आधा कितना होता है बताओ 126 होता है, 18 का आधा 9 होता है, 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौक 36, इसका मतलब 14 आ गया, तो डेफिनेट आपका आंसर क्या होगा बी होगा, क्या होगा चाहे आप करके देख लो। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है देखो, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, 21 गुणा का अर्थ क्या है प्लस, भाग का अर्थ क्या है माइनस, और आप इसमें करके देख लो, जब ये 14 आया अब प्रक्रिया क्या हो गई, इसको 21 से गुणा कर दो, 21 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 294 आ जाएगा, कितना आ गया 294, 294 में कितना जोड़ेंगे एडिशन होगा ना, हमें पता है बोर्ड मास के नियम से, बी बोर्ड मास के, तो 213 ऐड कर दो, 4 3 7 10 का 0 5, 507 आ गया, 507 में जब घटेगा 325 माइनस कर दो। ठीक है, 7 में से 5 गए 2, 50 में से 32 गए 18, तो बताओ आंसर आया कि नहीं आया आपका भी, नहीं बैठी बात समझ में, अरे बैठी कि नहीं बैठी। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लो।
अब हमारा टाइप नंबर सेकंड है और इसका क्वेश्चन पहला है, यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ माइनस है और V का अर्थ क्या है, गुणा है, तो आपको एक समीकरण इस प्रकार से दी हुई होगी और उस समीकरण में क्या बताना है, आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसमें आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। जो मैंने आपको पहला टाइप बताया था उस टाइप के सवाल टफ होते हैं थोड़े, और वो एग्ज़ाम में भी अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टफ चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये जो सवाल है ये पहले मैं इसमें जब मैं पहले आपको एक दो साल पहले पढ़ाया करता था तो मैं इसमें ये टाइप पहला पढ़ाया करता था, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आते थे। लेकिन अब ये सवाल आ नहीं रहे, ये सवाल सिंपल है, सब कोई कर लेता है, तो ऐसे सवाल देता है वो जिसमें झंझटें ज़्यादा हों, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसको हर कोई सॉल्व ना कर सके, जिसको ज़्यादा पढ़ने वाला सॉल्व कर सके। तो इस सवाल में देखना क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, फिर V का अर्थ दे रखा है इसमें कितना है, कहाँ पर है V का अर्थ, गुणा है, और 4 R का अर्थ कितना है, प्लस 16, P का अर्थ कितना है, भाग 8, T का अर्थ क्या है, माइनस, और ये 16 बराबर में क्या आएगा। सबसे पहले हमारी वही प्रक्रिया होगी जो हम वी बोर्ड मास में सीखा है जो हमने, ठीक है, करने को। तो इसमें हर व्यक्ति क्या करता है कि दिमाग लगाता ही लगाता है, लेकिन जो वी बोर्ड मास है कहीं पर वी नहीं है, कहीं पर बी नहीं है, मतलब ब्रैकेट नहीं है, कहीं पर ऑफ का नहीं है, बस सिर्फ क्या है आपकी बार, इसमें हम क्रम से सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। हमको किससे सॉल्व करना होता है इस सवाल को, क्रम से। इसमें विनिकुलम बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ मतलब का नहीं है, डिवाइड है इसमें, तो डिवाइड करेंगे हम इसमें 16 में 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई ये रहा मल्टीप्लाई, 12 चौक 48 कितना आ गया, 48। अब प्लस में और ये माइनस का 16 है। अब देखो फिर क्या करेंगे, एडिशन। अब एडिशन में क्या हो रहा है, 48 और 2 50, और 50 में से जैसे ही आप 16 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, कितना आंसर आएगा, 34 आएगा, कितना आएगा। आप फिर से चेक करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसमें। देखो 16 में 8 का भाग दे रहे हैं तो 8 दूनी कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। और अब उसके बाद हम गुणा करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई की होती है, तो 12 चौक 48 और 2 कितने हो गए, 50, 50 में 16 गए कितने, 34। आप बताओ इसमें 34 कहीं पर ऑप्शन में है क्या, कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसका मतलब आएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हमारा टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ माइनस है और W का अर्थ क्या है, भाग, तो आपको बताना है कि इसमें आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, 64 W का अर्थ क्या है, भाग, 4 P का अर्थ क्या है, गुणा, 8 टी का अर्थ क्या है, माइनस, 6 आर का अर्थ क्या है, प्लस, 4 बराबर क्या आएगा। 64 में 4 का भाग दो कितना आएगा, 16 आएगा कि नहीं आएगा, और 8 से गुणा करो, 16 अट्ठा कितना होता है बताओ, 128, माइनस का 6 और प्लस का 4, 128 ये प्लस का है, ये प्लस का 4 है, पहले ये दोनों जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले आता है। 128 और 4 132, अगर इसमें से 6 घटाएंगे कितना बचेगा बताओ जल्दी से, 124 नहीं 126, ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। अब टाइप थर्ड नंबर में क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर गणितीय समीकरण सही हो जाएगी, ठीक है, ये भी इजी है, टफ नहीं है इतना। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो, ये 20 है यहाँ पर, कितना है,
हमें पहला ऑप्शन दे रखा है भाग और दूसरा क्या दे रखा है गुणा। तो भाग की जगह क्या करना है, 20 भाग 10 और गुणा कहाँ पर है, 3 × 4। पहले मैं इन्हीं को ले रहा हूँ, भाग की जगह क्या करना है गुणा, 20 × 10 और 3 × की जगह क्या कर रहा हूँ भाग, मतलब कहने का मतलब समझ में आया ना, भाग को और गुणा को बदलना है, भाग की जगह गुणा करके देखना है और गुणा की जगह भाग करके देखना है और बराबर में 27 दे रखा है। तो हमारा वही तरीका, 3 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका मतलब 100% ऑप्शन ए नहीं आएगा। अब ऑप्शन बी को देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 भाग 4 में मतलब 0.75 आ रहा है, 3/4, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, 20 भाग, भाग की जगह क्या है प्लस है, 20 + 10 और यहाँ पर क्या है, कहाँ पर प्लस की जगह क्या है, अब इसको करके देखो, ठीक है, 2 + 3 भाग कहाँ पर है, ये रहा 20, प्लस में 10 कर दिया ना, मतलब भाग की जगह प्लस करना है ना, समझ में आ गया नहीं यहाँ तक ये, और प्लस की जगह क्या करना है भाग, 2 भाग 3, बताओ यहाँ पर भी भाग जाएगा कि पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम सी ऑप्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सी ऑप्शन की। देखो 20 भाग की जगह क्या करना है माइनस 10 और माइनस की जगह क्या करना है भाग करना, और माइनस की जगह क्या करना है भाग, 10 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, और 20 में 10 घटाएंगे 10 बचेगा। देखो यहाँ तक तो आ गए 10, कितना आ गया 10, और यहाँ पर कितना है 10 में से 2 गए, फिर मतलब कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 10 - 2 फिर प्लस में 3 × 4 करके देखो, 10 - 2 ठीक है और प्लस 3 ठीक है और गुणा में कितना है 4, देखो 4 + 3 कितना हो गए 12, कितने हो गए 12, 12 और यहाँ पर कितने हो गए 10, 22 और 22 में से 2 गए कितने बच रहे हैं हाँ 20, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डी ऑप्शन, ये तो डेफिनेट आएंगे नहीं आएंगे, ये तो आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पॉइंट मारा है ना। अब हम सी ऑप्शन एक बार चेक कर रहे हैं ढंग से, 20 भाग 10 माइनस का 2 प्लस का 3 गुणा में 4, एक बार और चेक कर रहे हैं कोई मिस्टेक हो गई हो, 20 भाग की जगह क्या है देखो माइनस 10 और माइनस की जगह क्या करना है भाग, 2 + 3 × 4 बराबर में 27 आना चाहिए, 20 में से भाग गए 10, मतलब 10 में 2 का भाग देंगे पहले, कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो 20 - 5 प्लस 3 + 4 कितना 12 बराबर में 27। अब क्या करेंगे, 20 प्लस के 20 और प्लस के 12 जुड़ जाएंगे 32, में से 5 गए कितने 27, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी ही सही है, कुछ मिस्टेक हमने कर दी थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका सी आएगा, ठीक है, वहाँ पर हमने कुछ गलत कर दिया था, क्योंकि गलत क्या किया मैं ये भी बता देता हूँ आपको, गलत क्या किया, 20 में से 10 घटा दिए तो 10 बच गए साहब, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 बच गए, लेकिन वही तरीका बोर्ड मास से गिरना है हमको, बोर्ड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट करो ऑफ करो डिवाइड करो, पहले डिवाइड होगा 10 में 2 का भाग लगेगा 5 आएगा, फिर 20 में से 5 घटा मत देना, इससे पहले 3 × 4 होगा, 3 × 12 होगा, अब 12 और 20 32 जुड़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि बोर्ड मास नियम, वी बोर्ड मास नियम यही कहता है, नहीं बैठी बात समझ में, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप।